सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप के अंदर एक सोशल मीडिया बैनर बनाना, जो कि हम बनाएंगे एक रेस्टोरेंट के लिए जो कि कुकीज को डिलीवर करता है ऑनलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, जिसका साइज मैंने सोशल मीडिया के लिए लिया है 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स। देन मैंने रिजोल्यूशन भी इसका 300 पिक्सल्स रखा हुआ है। सबसे पहले तो क्रिएट करते हैं इसका एक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक ग्रेडियंट को क्रिएट करूँगा जो कि एक सिंपल सा ग्रेडियंट होगा। इसका एंगल मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अराउंड यहाँ पे -66 डिग्री तक यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा सा ब्लू को मैं यहाँ से कम कर दूंगा ड्रैग करके और ओके पे हिट कर दूंगा। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सके तो ये फाइल की लिंक आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये मोबाइल की इमेज मैंने यहाँ पे ले ली है और इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है। एक्चुअली ये PNGtree.com से मैंने डाउनलोड की थी, इसको बैकग्राउंड नहीं था यहाँ पे। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ मिडल के अंदर। इसका जो वाइट पोर्शन वाला जो स्क्रीन है उसको मैं यहाँ पे मैजिक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसका एक लेयर बना लूँगा और अभी के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इसका शैडो ताकि और भी रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ब्रश टूल को ले लिया है, ब्लैक कलर चूज़ कर लिया है, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे सिंपली मैं टैप करके कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दूँगा, स्ट्रेच कर दूँगा इसको थोड़ा सा। देन इस वाले कॉर्नर को कंट्रोल प्रेस करके मैं थोड़ा सा नज़दीक लेकर आऊँगा और डबल क्लिक करके यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे मैं रख दूंगा। थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसको, आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन मैं शेडो का और एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा बिगर कर दूंगा और इसका ओपेसिटी मैं रखूंगा अराउंड 30% ताकि ये दिखने में और भी रियलिस्टिक लगे। शैडो को क्रिएट करने के बाद में सेकंड काम आपके पास जो आता है, इसका स्क्रीन को ऊपर आप क्लिक कर दे, इसको अनहाइड कर दे, डबल क्लिक कर दे स्क्रीन के ऊपर, ग्रेडियंट ओवरले के अंदर जाके मैं यहाँ पे ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ। अब ये कुकीज़ वाली जो इमेज है मैं इसको ड्रैग करके अपने मेन डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आऊँगा। कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज़ मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे इस तरह से बताना है कि ये स्क्रीन में से कुकीज़ जो है बाहर आ रही है। मैं फ़िलहाल के कंट्रोल डी कर देता हूँ। यहाँ पे जो कुकीज़ की इमेज है इसके ऊपर मैं एक मास्क अप्लाई कर दूँगा। फिर से इस वाले लेयर के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके वाइट वाले लेयर को, स्क्रीन को सिलेक्ट कर दूँगा। देन सिलेक्ट में जाके मैं इन्वर्स कर दूँगा, इन्वर्स सिलेक्शन, ब्रश टूल को सिलेक्ट करके मैं ये वाला जो पोर्शन है कुकीज़ का इसको मैं यहाँ पे ब्रश कर दूंगा ताकि ऐसे लगे कि यहाँ से ये कुकीज़ मोबाइल से बाहर आ रही है। इन सब को सिलेक्ट करके मैं एक ग्रुप में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मेन इमेज को नाम देता हूँ इसका और कंट्रोल टी प्रेस करके अगेन मैं इसको सेंटर में अप्लाई कर दूंगा। ओके, तो गाइज, इतना काम होने के बाद में हमें अपना टेक्स्ट जो है यहाँ पर लेकर आना है। मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपना टेक्स्ट को। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है हिटर्स नाम का फॉन्ट, जो कि अगेन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को 70% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से और भी कंटेंट मैं लेकर आने वाला हूँ रेगुलरली। टेक्स्ट को यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ या पेस्ट कर लेता हूँ, जो भी कह लो आप, आपके हिसाब से। थोड़ा मॉडर्न लुक अप्लाई करने के लिए इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉन्ट कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे टिल्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप कर लिया है और तीनों टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे इस वाले नोड को मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर ऊपर के साइड में ड्रैग करूँगा तो इस ये वाला लुक आ जाएगा। तो अगेन मैं तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ। देन फर्स्ट वाला जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, उसका कलर मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ ताकि एक कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाए। अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपना जो बाकी वाला टेक्स्ट है उसको भी टाइप कर लेता हूँ सेम फॉन्ट में। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, इसकी साइज़ मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, इतना रखूँगा कि ये रीडेबल हो जाए।
इसका अलाइनमेंट वगैरह सही करके लाइन हाइट वगैरह मैं सही कर दूंगा इसका, और इसको मैं इस वाले कॉर्नर के अंदर प्लेस कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। और अगर प्रीवियसली वीडियो आपने नहीं देखे है तो प्लीज़ उसको भी देख देना, और प्लीज़ बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। कुकीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसका कलर मैं रखूँगा यहाँ पे ब्लैक, थोड़ा सा एक कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होने के लिए। अगेन आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक क्रिएटिवनेस आप यूज़ कर ले आपके बैनर्स के अंदर कि इसका लुक और भी खुल के आ जाए। सेम टेक्स्ट को मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, और इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा हम अलग कर देंगे यहाँ पे। ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, साइज इसका रख दूंगा अराउंड 15 पिक्सल्स। इसको सेम स्टाइल में आपको अप्लाई कर देना है ताकि एक बैलेंस आपकी डिज़ाइन में बना रहे। तीनों टेक्स्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करके मैं अगेन कंट्रोल प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्क्यू कर दूंगा, देन यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। ये वाला टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्यू कर दूंगा कंट्रोल टी प्रेस करके। ओके तो गाइज, इतना सब होने के बाद में ये थोड़ा सा एक मॉडर्न लुक ले रहा है अभी। तो अभी कुछ एरोज मैंने यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड किए थे, इसका मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन के अंदर वेक्टर फाइल है मेरे पास, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि पेस्ट करने के टाइम को आपको कैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, देन ओके पे हिट कर देता हूँ। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐड करने के बाद में आपका बैनर काफ़ी अच्छा लुक ले लेता है। तो ध्यान रहे कि इसका कलर भी मैं वाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको टॉप में प्लेस करूँगा। पूरे टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा और यहाँ पे इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एक और एक एरो ले लूंगा यहाँ पे, इसका भी कलर मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स मैं और भी ऐड कर दूंगा। इस तरह से ये एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर दूंगा। थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर दूंगा। और इसका कलर भी मैं यहाँ पे व्हाइट कर दूंगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बैनर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप इसको इस सिंपलीस्ट वे के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके डिज़ाइंस के अंदर, ताकि दिखने में आपका डिज़ाइन एकदम मॉडर्न लगे। देन हमको यहाँ पे नंबर भी मिला था, तो हम नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसका। ये वाला एरो भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और सिंपल से हमको एक गूगल पे और कुछ पेमेंट ऑप्शंस के सिंबल यहाँ पे ऐड करने, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाले जो लोगो है वो भी ऐड करने के बाद में हमको एक इस तरह का फाइनल लुक मिल जाता है। और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कुकीज़ को भी कॉपी कर दूंगा, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, कलर इसका मैं वाइट करके ब्रेडिंग ऑप्शन में जाके यहाँ पे सॉफ्ट लाइट ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। देन इसको क्लिक एंड ड्रैग करके मैं सबसे लास्ट वाले जो अपना बैकग्राउंड है उस लेयर के ऊपर टॉप में रख दूंगा और ओपेसिटी इसकी मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा। तो ये बैकग्राउंड भी हमारा जो खाली खाली लग रहा था वो भी हमारा अब सेट हो गया है। तो इस तरह से आप एक छोटी मोटी ट्रिक्स को अप्लाई करके आपके जो बैनर्स है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे आपके ऊपर इस तरह से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।